हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सर्वेश कुमार है। मैं दुबई में 1.5 साल से हूँ। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा यूएई में जॉब कैसे सर्च करें। सिंपल स्टेप है और आप लोग आराम से सर्च कर सकते हैं यूएई का जॉब। यूट्यूब में बहुत से अगर सर्च करेंगे कि दुबई में जॉब कैसे सर्च करें तो बहुत सी वीडियो आएंगी, लेकिन जिस हिसाब से हम बता रहे हैं आप लोगों को उस हिसाब से कोई नहीं बताएगा। हमारी वीडियो में आप लोग बने रहिए। हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक कीजिए, ठीक है। चलिए हमारी वीडियो में बने रहिए और हम आप लोगों को बताएँगे। दोस्तों, पहला स्टेप है कि यूएई का जॉब कैसे सर्च करें। आप लोग अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई भी कंट्री, अगर जैसे नेपाल, कोई भी कंट्री में आप लोग हैं तो आप लोग गूगल के माध्यम से आप लोग सर्च कर सकते हैं। गूगल में, गूगल प्ले स्टोर में बहुत सी एप्लीकेशन पड़ी है, ठीक है, उसके माध्यम से आप लोग सर्च कर सकते हैं और आप लोग जॉब पता कर सकते हैं, ठीक है, और उसके माध्यम से आप लोग सर्च कर सकते हैं। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा तरीका है जो आप लोग आराम से कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरा स्टेप ये है कि आप लोग यूएई में विजिट वीज़ा पे आइए, ठीक है। विजिट वीज़ा पे आप लोग अगर इधर आएंगे, आप लोग फिर उसके बाद विजिट वीज़ा कौन सा लें जो 3 महीने का हो, ठीक है। ये नहीं कि एक महीना में आप लोगों को लिए फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर जॉब अगर नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कम से कम 3 महीने का विजिट वीज़ा लें और 3 महीना में आएँ इधर, 3 महीना के लिए इधर आएँ। 3 महीना में आप लोग जॉब अच्छे से अच्छा जॉब आप लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है। 3 महीना कमती दिन नहीं होता है। 3 महीना में आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे। यूएई बहुत बड़ी यूएई है, दुबई, ठीक है। आप लोग कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा, अच्छा से अच्छा सैलरी और अच्छा से अच्छा काम मिल जाएगा आप लोगों के लिए। इसलिए आप लोग टेंशन ना लें और हमारी वीडियो के हिसाब से फॉलो करें, आप लोग कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।